नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी और लेकर हाजिर हूं आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। यस बैंक ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर, एसबीआई कर सकता है 2450 करोड़ रुपए के निवेश। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की अपील, पुरानी आदत फिर से डाले हैंडशेक के बजाय करें नमस्ते। तेलंगाना में चौथी क्लास की 11 लड़कियों के साथ रेप, आरोपी टीचर गिरफ्तार। इंदिरा गांधी और अमृत कौर को मिली टाइम की सदी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में जगह। आरएसएस थिंक टैंक कोरोना से निपटने पर करेगी चर्चा, 10 मार्च को बेंगलुरु में अहम बैठक। अयोध्या में रामलीला के दर्शन के लिए रवाना हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नापाक हरकत, दिल्ली हिंसा पर इमरान ने मुस्लिम देशों को उकसाया। राज्यसभा में जाने के लिए हरियाणा भाजपा कांग्रेस में लांबिक चरम पर, दावेदारों ने खोले तमाम घोड़े। अब खबरें विस्तार से। एसबीआई कानूनी प्रावधानों के मुताबिक यस बैंक के 49% शेयर खरीद सकता है। साथ ही इस दौरान एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि एसबीआई यस बैंक में 2450 करोड़ रुपए की निवेश कर सकता है। फिलहाल यस बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जन औषधि दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि केंद्रों के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु कहा कि हमें पुरानी रीत नमस्ते अपनानी चाहिए बजाय हैंडशेक करने के। तेलंगाना के वानापार्थी में एक स्कूल में कई बच्चियों के साथ रेप का घिनौना और सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राइवेट स्कूल के एक टीचर को 11 छोटी बच्चियों का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पीड़ित लड़कियां चौथी क्लास की छात्रा हैं, जिनमें से कुछ का रेप तो स्कूल परिसर में ही किया गया। अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने पिछली एक सदी की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर का नाम शामिल किया है। मैगजीन ने अमृत कौर को 1947 के लिए और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन्स ऑफ द ईयर कहा है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में इस बार हो रही है। देश दुनिया की बड़ी खबर आफत बनकर आए कोरोना वायरस को लेकर संघ की थिंक टैंक अपने सुझाव दे सकता है। वायरस के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह बैठक होगी। वर्ष में एक बार होने वाली इस बैठक की शुरुआत 10 मार्च से शुरू होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। ये दौरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के 100 दिन पूरे होने पर किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे 7 मार्च को दोपहर में भगवान राम के दर्शन करेंगे। अपने आंतरिक समस्याओं से बेखबर पाकिस्तान की सियासत की धुरी भारत बन चुका है। इन दिनों इमरान खान को दिल्ली में मुसलमानों के साथ अत्याचार दिख रहा है। इस बहाने वह मुस्लिम देशों को उकसा रहे हैं। हालांकि यह भी उनको मुंह की खानी पड़ी, उनके इस ट्वीट पर किसी देश ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए 3 सीटों पर शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया होते ही भाजपा जजपा गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में लांबिंग तेज हो गई है। विधानसभा में दलगत स्थिति के मुताबिक 2 सीटें भाजपा जजपा गठबंधन और 1 सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।